सरकार जहां पशुओं और वन संरक्षण के लिए लगातार योजना बना रही, तो वहीं लोग हैं जो केवल अपना लाभ के लिए मनमानी करते हैं, इसे बाज नहीं आ रहे हैं। नियम को ताक पर रखकर लगातार मनमानी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भदोही जनपद में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस की हाथी बरामद हुई। जबकि जिसके पास हाथी होती है उसके पास हाथी का लाइसेंस जरूर होता है, लेकिन लोग हैं मनमानी से पीछे नहीं हट रहे। वन विभाग को जानकारी होते ही हाथी को बरामद कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव सभा के वन विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर एक हाथी को बरामद किया गया है। वन रेंजर ऋषेश कुमार मिश्रा ने बताया कि हाथी रखने की अनुमति इनके पास नहीं था। मामले को लेकर इनके हाथी बरामद हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लोगों के उच्च स्तर से अधिकारियों से सूचना मिली कि ग्राम बलभद्रपुर में कोई एक बिना कागज लाइसेंस की हाथी है, उसको अरेस्ट करिए। हम लोग मौके पर छापा मार कर मौके से एक नग हाथी बरामद किए और उस पर कार्रवाई की। मामला न्यायालय में हम लोग पेश कर दिए हैं। ये मूल्य हमें किस तरह का मुकदमा दर्ज है हाथी पर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई। जो ये हाथी पालक थे, जो हाथी रखते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जी, कार्रवाई कर दी गई। कितने लोग पकड़े?